अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ अली तस्लीम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो लीनियर अलजेब्रा पे है। लीनियर अलजेब्रा का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस किसने करवाया, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में जानने के लिए हम बात करते हैं। मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया है एक साइंटिस्ट है हमारा आर्थर कैले। इसने ये इसको इंट्रोड्यूस करवाया, इसका कॉन्सेप्ट दिया है और इसको डिफाइन कुछ इस तरह से किया है। A rectangular array of numbers enclosed by a pair of brackets, such as is called matrix. For example, मैं आपको example दे के बात समझाता हूँ। हमारे पास कोई भी ये matrix है, ठीक है, इसमें हमारे पास real रियल और कॉम्प्लेक्स एंट्रीज इट्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हो, और किस तरह की हो, इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं मैट्रिक्स में, एक होती है रोज और दूसरा होता है कॉलम। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होंगी, दूसरा है वर्टिकल टाइप। जो हॉरिजॉन्टल है वो हमारे पास कहलाएगी रोज, और जो वर्टिकल होगी वो आपके पास होगा कॉलम, ठीक है। इसमें हम दो चीजों को डिस्कस करते हैं, रोज एंड कॉलम्स। स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज हो तो वो क्या कहलाता है आपके पास, मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। इसमें आपको मैं बता चुका हूं कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वो क्या कहलाएंगे, रोज एंड कॉलम। हॉरिजॉन्टल मीन ऐसे चलना, हमने ये आपके पास आती हैं रोज, जैसे आप नीचे चलते जाएंगे वो आपके सारी रोज बन दी जाएंगी। अगर आपने ऐसे चलना है तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका आता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इस बात को जाहिर करता है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं, वो उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कोई मैट्रिक्स और मैंने लिख दिया m क्रॉस n। ये m क्रॉस n से क्या मुराद है, m से मुराद है कि इसमें कितनी रोज हैं और n से मुराद है इसमें कितने कॉलम्स हैं, वो आपने बताने हैं। अब मैंने बताया कि जो रोज होंगी वो हमारे पास किस शेप में होंगी, हॉरिजॉन्टल टाइप, और जो कॉलम होगा वो होगा वर्टिकल। अब देखें 1 2, इसमें क्या हुई, दो रोज होगी हमारे पास, यानी कि m किसको शो करता है, रोज को, और n हमारे पास किसको करता है, कॉलम को। हमारे पास जो ये मैट्रिक्स बना 2x2 का बन गया, यानी कि इसमें दो रोज है और दो ही क्या है, कॉलम है। ये आपके पास होता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास आता है एक जनरल मैट्रिक्स की फॉर्म है, उसको देख के काफी स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया जाता है कि आपने कुछ इस तरह का मैट्रिक्स लेना है, ए आई जेथ 2x3। अब आपने ये मैट्रिक्स लेना है, ये जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल A11 A12, इससे मुराद है, पहले हम जब भी मैट्रिक्स में डिस्कस करेंगे ना वो रोज को डिस्कस करेंगे, इससे मुराद है मैट्रिक्स जो आपने लेना है वो दो रोज वाला हो और उसमें तीन कॉलम हो, ठीक है। अब हमने दो कॉलम तो ले लिए, उसके बाद तीसरा कॉलम A13, नेक्स्ट A21 A22 A23। अब ये जो मैंने एंट्रीज डाली है 1 1 1 2 1 3, इससे क्या मुराद है, जो आपके पास फर्स्ट एंट्रीज है ये आपके पास है आइथ और ये आपके पास है जेथ एंट्री, इससे मुराद है ये रो वाली एंट्री है और जेथ से मुराद है कॉलम वाली एंट्री, यानी कि हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में हैं। नेक्स्ट आ जाए, रोज आपकी फर्स्ट ही है, कॉलम आपका क्या आ गया, सेकंड आ गया। नेक्स्ट रोज आपकी फर्स्ट है और कॉलम क्या आ गया आपके पास, थर्ड आ गया। नेक्स्ट जब हम आएंगे, अब सेकेंड रोज में आ गए हम, ये आपके पास आइथ है
और ये jth है, यानी कि कॉलम की एंट्री। अब सेकेंड रोज फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रोज सेकेंड कॉलम, सेकेंड रोज थर्ड कॉलम, ये आपके पास एक जनरल मैट्रिक्स की फॉर्म आ गई है। ये हमारे पास मैट्रिक्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हम इसकी आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ, कि हमारे पास इसकी ये मैट्रिक्स जो हैं कितनी किस्म के होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। टाइप्स इसकी काफ़ी हैं, आज हम कुछ डिस्कस करते हैं टाइप्स। फर्स्ट हमारे पास जो टाइप्स है मैट्रिक्स की वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, इफ एम डज नॉट इक्वल टू एन देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इससे मुराद ये है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारे पास m होगा वो होता है रोज, और n किसको शो करता है, कॉलम को। इसका मतलब ये हुआ जब m और n आपस में इक्वल ना हो तो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बनता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर ना हो वो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देंगे आपको समझाते हैं। अब आपने कोई ऐसा मैट्रिक्स लेना है जिसमें रोज और कॉलम की जो तादाद है ना वो बराबर ना हो, तो हमारे पास, मैं कोई इस तरह का मैट्रिक्स ले लेता हूं, इसमें आपके पास दो रोज हैं, 1 2 3, और तीन आपके पास कॉलम आ गए, तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, जिसमें हमारे पास रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है। नेक्स्ट वन इसकी जो टाइप्स है वो हमारे पास है स्क्वेयर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होगा जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर ना हो, और स्क्वेयर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें रोज और कॉलम की तादाद क्या हो, इक्वल हो। यानी कि आप लिख सकते हैं इफ m equal to n, then matrix is called square matrix। यानी कि इसमें आप if m equal to n, यानी कि रोज और कॉलम की तादाद क्या होनी चाहिए, इसमें इक्वल होनी चाहिए, वो आपका मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। सिंपल एक एग्जांपल आप ले सकते हैं जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो, आप एग्जांपल लिख लें, कोई भी मैट्रिक्स ले लें आप 1 2, जिसमें रोज और कॉलम इक्वल हो, यानी कि ये हो गया 2 बाई 2, यानी कि इसमें दो रोज हैं और दो ही क्या है, कॉलम है। ठीक है, ये हमारे पास दो टाइप्स थी। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड वन की तरफ। थर्ड वन हमारे पास जो टाइप है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो इसमें आपको डायगोनल एंट्रीज का पता होना चाहिए। एक मैट्रिक्स है, इसमें आपके पास डायगोनल एंट्रीज कौन कौन सी हैं, उसके बाद आपको डायगोनल मैट्रिक्स तरफ लेके चलते हैं। मैं फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स लिखता हूं जो कि 1 2 3 ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख लिया,
और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें रोज और कॉलम की तादाद क्या है, इक्वल है। अब ये जो आपके पास होंगे ना, ये वाली एंट्रीज स्टूडेंट, ये वाली एंट्रीज आपकी क्या कहलाएंगी, डायगोनल एंट्रीज कहलाएंगी। डायगोनल मैट्रिक्स में ये वाली जो एंट्रीज होंगी, या किसी भी मैट्रिक्स में ये वाली जो एंट्रीज होगी वो क्या कहलाएंगी, डायगोनल एंट्रीज। अब इसके बाद हम डेफिनेशन डिफाइन करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। मैंने लिखा है कि D इज इक्वल टू डी आई जे, आइथ मीन, मैं फर्स्ट बता चुका हूँ, आइथ मीन होता है हमारे पास रोज की एंट्री, जेथ मीन होता है कॉलम की एंट्री। इसका मतलब ये है जो कॉलम और रोज की एंट्रीज है, इफ इट्स डायगोनल, जो डायगोनल में है, इफ ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, यानी कि आपके पास डायगोनल एंट्रीज के अलावा जितनी भी एंट्रीज होंगी वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, तो आपके पास क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल डायगोनल एंट्रीज ये हैं, इसके अलावा जितनी भी एंट्रीज होंगी वो क्या होनी चाहिए, आपके पास जीरो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल और इसकी एक कंडीशन ये भी है, ये स्केयर होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है, स्केयर। स्केयर मैट्रिक्स को मैं पहले डिफाइन कर चुका हूं, ठीक है, कि उसमें रोज और कॉलम की तादाद क्या होती है, सेम इक्वल होती है। अब इसमें ये है कि एक स्केयर मैट्रिक्स हो जो कि डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी सारी एंट्रीज क्या हो, जीरो हो, जिसमें वो क्या कहलाता है, आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें देखें ये डायगोनल एंट्रीज है, इसके अलावा सारी एंट्रीज आपके पास क्या है, जीरो है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे पास टाइप्स रह गई हैं, तीन से चार और मजीद टाइप्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, कोई भी मसला हो, प्रॉब्लम हो, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लीजिएगा। स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।